तो आज सुबह सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी अगले चार पांच मिनटों में मैं मोटे तौर से उस खत में क्या है उसकी जानकारी दूंगा पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके कोई मशवरा नहीं हुआ है कोई वार्तालाप नहीं था अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ अचानक इंडिया पार्टियों की बैठक हो रही है मुंबई में और यहां से खबर आती है कि पांच दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है कोई बातचीत नहीं किसी को जानकारी नहीं थी दूसरी बात जब कभी विशेष सत्र होता है कार्य सूची पहले तय की जाती है और कार्य सूची जो एजेंडा है जो कार्य सूची है वो सभी पार्टियों से बातचीत करके एक बार जैसा कि मैंने कहा सर्वसम्मति तो असंभव है पर एक आम सहमति बनाने की प्रयास होती है सरकार की ओर से पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा कार्य सूची की जानकारी हमारे पास नहीं है और तीसरी बात जो उन्होंने खत में लिखा है कि जो बुलेटिन में छपा है जो सांसदों ने अपने बुलेटिन लोकसभा बुलेटिन में और राज्यसभा बुलेटिन में पढ़ा है मैंने भी पढ़ा है कि अठारह तारीख था, अठा सरकारी बिजनेस 19 तारीख सरकारी बिजनेस 20 तारीख सरकारी बिजनेस 21 तारीख सरकारी बिजनेस 22 तारीख सरकारी बिजनेस यानी कि पांचों के पांच दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया तो ये है तो यह नामुमकिन है यह दुर्भाग्यपूर्ण है